दोस्तों, हमारी पृथ्वी कई अनेकों रहस्यमय जगहों और रहस्यों से भरी पड़ी है, जिसमें से कई रहस्यों की खोज अभी भी जारी है। तो कुछ रहस्यमय वस्तुओं, जगहों और स्थानों को खोजा जा चुका है। आज के इस वीडियो में हम आपको दुनिया की 10 रहस्यमय खोजों के बारे में बताएंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें। कोस्टा रिका में स्टोन क्षेत्र। कोस्टा रिका में पाई गई गोलाकार पत्थर एक रहस्यमय खोज है, क्योंकि इसका अभी तक यह नहीं पता चल पाया है कि इतने बड़े और विशाल पत्थर कैसे आए। प्राचीन चट्टानों का अध्ययन करने वाले पुरातत्वविदों के अनुसार, जिन लोगों ने पत्थरों को पूरी तरह गोल आकार दिया था, वे शायद अन्य छोटे पत्थरों का उपयोग करते थे। तो वहीं कई गैर विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया है कि इसका उपयोग खगोलीय उद्देश्यों के लिए किया गया होगा, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि वे किसी महत्वपूर्ण स्थान के रास्ते की तरफ इशारा कर रहे होंगे। किनशी हुआंग की कब्र। किनशी हुआंग की कब्र भी दुनिया की रहस्यमय खोजों में से एक है। इतिहासकारों के अनुसार, टेराकोटा की सेना चीन के पहले साम्राज्य की मृत्यु के बाद रक्षा करने के लिए बनाया गया था। साल 1974 में जब एक किसान इस स्थान पर कुआं बनाने के लिए खुदाई कर रहा था, तो उसने जमीन के अंदर दफन एक कब्र देखी, तो चीन के इतिहास का इस तरह बेशकीमती खजाना उनके हाथ लगा। इसके बाद अगले 10 सालों तक पुरातत्व विभाग के लोगों ने इस स्थान और इसके आसपास खुदाई की, जिसमें लगभग 8000 के करीब सिपाहियों के पुतले मिले, जिन्हें बेहद खूबसूरती व सफाई से पेंट किया गया था। इस खुदाई को जब और आगे बढ़ाया गया तो पता चला कि सम्राट की मौत के बाद उनके शव को भी यहीं पर दफना दिया गया था। अटलांटिस। अटलांटिस अपने समय में धरती की सबसे खुशहाल जगह मानी जाती थी। वहां सोना व चांदी के साथ ही बहुमूल्य पत्थरों की भरमार थी। उस द्वीप पर दूर दूर तक हरे भरे मैदान फैले हुए थे। वहां की जमीन बहुत उपजाऊ थी तथा काफी बड़ी तादाद में पशु पक्षी थे। अटलांटिस द्वीप पर फलों के बगीचे भी थे। इस शहर को 5 क्षेत्रों में बांटा गया था, जिस कारण यहाँ की शासन व्यवस्था भी बहुत आदर्श थी। अटलांटिस के बारे में प्लेटो ने अपनी कहानी में भी बताया है। उन्होंने यह लिखा है कि अटलांटिस एक स्वर्ग था। वहाँ आलीशान महल और मंदिर थे, जिन पर सोने और चांदी की परतें चढ़ी होती थी। मंदिरों की दीवारें और आधार स्तंभ भी बहुमूल्य धातु के बने थे। प्लेटो ने भगवान की एक मूर्ति का भी उल्लेख किया है, जो पूरी तरह से सोने से बनी है। आगे रथ खींचते 6 घोड़े भी दिखाए गए हैं। प्राचीन पशु जाल। दोस्तों, 20वीं शताब्दी की शुरुआत में पायलटों ने इजराइल, मिस्र और जॉर्डन के रेगिस्तान में कम पत्थर की दीवारों की खोज की, जिसने पुरातत्वविदों को झकझोर कर रख दिया कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि कई मील लंबी रेखाओं की यह एक श्रृंखला है, जो 300 ईसा पूर्व में इनकी उपस्थिति हैरान करने वाली है, क्योंकि उस वक्त इसका किस लिए इस्तेमाल होता था यह कोई नहीं जानता। कई अध्ययन में पता चला है कि इसका उपयोग वहां के स्थानीय लोग पशुओं का शिकार करने के लिए करते थे। नजाका लाइंस। दोस्तों, यह दुनिया की रहस्यमय खोजों में से एक है। ये आकृति पेरू के रेगिस्तान में बनी हुई है, जो किसी को भी चौंका सकती है, क्योंकि यह छोटी आकृति नहीं बल्कि कई वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। हेलीकॉप्टर की मदद से इन्हें और भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। इनमें से तो कुछ इंसानों, पौधों और जानवरों की मालूम पड़ती है। इसके अलावा वहां सीधी रेखाएं भी खींची दिखाई देती है।
गोप केली टेप। गोप केली टेप अपने अंदर कई शताब्दियों का इतिहास समेटे हुए है। यह एक निर्जन पठार पर स्थित है और इस पठार की हर दिशा में ऐसे ही निर्माण फैले हुए हैं। यह दक्षिणी तुर्की का एक प्राचीन प्रागैतिहासिक स्थान है। यह एक निर्जन पठार पर स्थित है तथा इस पठार की हर दिशा में ऐसे निर्माण फैले होने के कारण यह स्थान उत्तर में एक पहाड़ से जुड़ता है और बाकी तीन तरफ तीखी चट्टानें खड़ी हैं। लगातार कटते जाने से पठार का स्वरूप बदल गया है। गोप केली टेप खोज भी दुनिया की रहस्यमय खोजों में से एक है, क्योंकि इसका इस्तेमाल किस लिए होता था या इसका निर्माण क्यों हुआ था, ये एक रहस्य बना हुआ है। विलुप्त माया सभ्यता। दोस्तों, माया सभ्यता मैक्सिको की एक महत्वपूर्ण सभ्यता थी। इस सभ्यता का आरंभ 1500 ईसा पूर्व में हुआ था। यह सभ्यता 300 ईसा से 900 ईसा के दौरान अपनी उत्पत्ति के शिखर पर पहुंची थी। इस सभ्यता के महत्वपूर्ण केंद्र मैक्सिको, ग्वाटेमाल, होंडुरास और अल सलवाडोर में थे। यद्यपि माया सभ्यता का अंत 16वीं शताब्दी में हुआ, किंतु इसका पतन 11वीं शताब्दी के प्रारंभ से हो गया था। माया शासक सामान्यतः पुरुष हुआ करते थे, लेकिन कभी कभी रानियां भी वहां पर शासन करती थी। राजा का पद पैतृक था, यानी उनकी मृत्यु के पश्चात उनका बड़ा बेटा सिंहासन पर बैठता था। राज्य के राजा का बहादुर होना अनिवार्य था, क्योंकि एक बहादुर राजा ही साम्राज्य का विस्तार एवं उसकी सुरक्षा कर सकता था। पोंचो स्टोन। दोस्तों, यह सभी एक रहस्यमय पत्थर है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में पुरातत्वविदों ने एक 5000 साल पुरानी पत्थर की स्लैब का उत्खनन किया था। यह कोंचो स्टोन लगभग 26 फीट से 43 फीट तक के हो सकती है। इसे कप और अंगूठी निशान के रूप में जाना जाता है। इस स्टोन में घूमता पैटर्न शामिल है, जो अन्य हिस्सों में दुनिया के प्राचीन स्थानों में पहचानी गई है। ग्लासगो विश्वविद्यालय में पुरातत्वविदों ने और वरिष्ठ व्याख्याता येनी ब्रॉफी के अनुसार यह स्लेब प्राचीन कलाकृति का एक उदाहरण हो सकता है। 1930 के दशक में कनकोन स्टोन का अध्ययन करने वाले शोधकर्ताओं का मानना था कि पत्थर के शिलालेख खगोलीय घटनाओं से जोड़ा जा सकता है, जैसे ग्रहण इत्यादि। स्टोनहेंज। यह दुनिया की रहस्यमय खोजों में से एक है। यह ब्रिटेन की विल्टशायर काउंटी में स्थित एक प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक आकृति है। यह एक बड़ी शिलाओं को व्यवस्थित करके बनाया गया गोला है। इसमें 7 मीटर से ऊंची शिलाओं को धरती में गाड़कर खड़ा करके एक चक्र बनाया गया था। इतिहासकार अनुमान लगाते हैं कि इसका निर्माण पाषाण युग और कांस्य युग में 3000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व काल में संपन्न हुआ होगा। स्टोनहेंज के प्राचीन निर्माताओं के ध्येय के बारे में विद्वानों में मतभेद है। कॉपर स्क्रोल खजाना। कॉपर स्क्रोल खारबेट कुमरन के पास गुफा 3 में पाए गए मृत सागर स्क्रोल में से एक है, लेकिन यह दूसरों से काफी अलग है। जहां दूसरे स्क्रोल चर्म पत्र या पेपीरस पर लिखे जाते हैं, तो वही यह स्क्रोल धातु के ऊपर लिखा गया था, जो तांबे में लगभग 1% टिन की मिलावट से बना है। मृत सागर में अधिकांश स्क्रोल बेंडोइंस द्वारा खोजे गए हैं। कॉपर स्क्रोल की खोज पुरातत्वविदों ने की थी, जो कि एक रहस्यमय खोजों में से एक मानी जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं और आप हमारी वेबसाइट छोटूनाई.com पर भी विजिट कर सकते हैं।